नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स, क्या हाल आपका। आज हमने 10th क्लास की फिजिक्स है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो 10th क्लास की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 से 18 तक आपने 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले जो है ना आपने 1 से लेकर 9 तक आपने 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक है, चैप्टर्स। और उसका जो अब जो सिलेबस है आपका वो आपके चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 10 से लेके आपके पास चैप्टर नंबर 18 तक होगा, ठीक है। तो इसमें 10th क्लास में हम ये जो 9 चैप्टर्स हैं हम ये पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो मतलब हम सिंपल इन दो टॉपिक जो है ना इसको हम थॉरली डिस्कस करेंगे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे एंड वेव्स जो है ना उसको डिस्कस करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, वेव्स बनती कैसे हैं, स्लिंकी वेव्स क्या होती हैं, क्रस्ट ट्रफ, मतलब जो भी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम जो है वो सारा इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, तो सिंपल मतलब सादा, मोशन मतलब हरकत, ठीक है। जो आपने 9th क्लास में मोशन पढ़ी थी, रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि मोशन क्या होती है, जो अपने सराउंडिंग के लिहाज से मोशन में हो, हरकत में हो, उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास जो है वो आपके पास हार्मोनिक, अब जो नई टर्म आपके पास आई है वो हार्मोनिक है, ठीक है। कि हार्मोनिक क्या होती है, हार्मोनिक पीरियडिक मोशन की एक ऐसी एक स्पेशल काइंड है जिसमें आप जो है वो वेव्स को स्टडी करते हो कि वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव करे, ठीक है। पीरियडिकली जब हम उस पर फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो पीरियडिक मोशन में मूव करता है पीरियडिकली। के पीरियडिक का मतलब ये है कि एक ख़ास इंटरवल पे, टाइम पे, तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा रिपीट करता है, ठीक है। पीरियडिक मतलब वो है कि जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइम पे अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, फिर टाइम गुजरता है, फिर वो अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। तो ये एक हार्मोनिक से ये मुराद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सादा मोशन है वो हमारे पास है क्या। तो उससे पहले हम जो है वो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। तो बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन तो आपने 9th क्लास में मैंने भी पढ़ाया था कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट या अबाउट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। यही आपने टर्म पढ़ी है और उसमें कुछ आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि पेंडोलम की एग्जांपल है, पेंडोलम ऑफ क्लॉक की अपनी एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो ये और झूले की आपने, क्रैडल की आपने इसमें एग्जांपल दी थी कि ये जो है ना पीरियडिकली मूव करता है। अब देखें वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप जो घड़ी का क्लॉक है, क्लॉक का जो पेंडोलम है वो एक ख़ास टाइम पे, मतलब कुछ टाइम बाद वो अपनी पोजीशन, जो मेन पोजीशन थी वो उसको रिपीट करता है, और टू एंड फ्रो जो है वो मूव करता है। तो इस तरह से जो मोशन है वो हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो अब हम इसकी एक और टाइम टर्म पढ़ेंगे वाइब्रेटरी से, और ऑसिलेटरी हम इसको कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो अब इसमें कुछ हम टर्म है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, अपने ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो मूव करती है या बैक एंड फोर्थ मूव करती है, ठीक है। तो इस टर्म को हम वाइब्रेशन कहते हैं या हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन है, ठीक है, या इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज़ कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की एक ऐसी टाइप, पीरियडिक टाइम, एक ऐसी स्पेशल काइंड जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिस्कस करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही डिस्कस करेंगे और साथ में इसमें वेव्स को डिस्कस करेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि हमें इसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी खसूसियात क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू स्प्रिंग, यानी कि मैस की जो मोशन है जब हम उसको स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो उस टाइम इसकी जो मूवमेंट होगी, जो हरकत होगी, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वो हम जब आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है कि बाल एंड बाउल सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि बाल एंड बाउल सिस्टम क्या है। दिस इज़ कॉल्ड बाल एंड बाउल सिस्टम, यानी कि ये आपके पास बाउल है और उसमें आपने बॉल रखी है और बॉल को आप कुछ डिस्प्लेस करके पोजीशन ए की तरफ लेकर आए हैं और वो जब आपने यहाँ से इसको रिलीज़ किया तो ये दोबारा पोजीशन बी की तरफ चलेगी। ये फिर कुछ पीरियडिकली किया क्या अगर ये मूव कर रही है, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये अपनी ये जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन इसको रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के हमने अभी पढ़ी कि टू एंड फ्रो मोशन, ये बैक एंड फोर्थ मोशन, ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन आगे पीछे की हरकत है। इसी तरह से एक और हमारे पास एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडोलम। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडोलम की भी हमारे पास क्या आती है, एग्जाम्पल आती है कि कुछ टाइम के बाद ये इसकी मेन पोजीशन है और हम इसको ए पोजीशन की तरफ लेकर आते हैं और इसको रिलीज़ करते हैं, वो बी की तरफ आती है और यहाँ से इस तरह से अपनी मोशन क्या करती है, रिपीट करती रहती है मेन पोजीशन के लिए। तो कुछ टाइम के बाद वो फिर रिपीट करती है, कुछ टाइम के बाद वो फिर रिपीट करती है, बैक एंड फोर टू एंड फोर क्या करती रहती है, वो मूव करती रहती है। तो जो मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग है, इसकी जो मोशन है वो बैक एंड फोर्थ है, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ में क्या होता है कि देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ज़ीरो पोजीशन पर है, ठीक है। तो फिर जब हम इसको कुछ डिस्प्लेस करते हैं एक्स के साथ, डिस्प्लेस करके हम पोजीशन ए की तरफ लेकर आए हैं तो डिस्प्लेस हुआ ये, और फिर जब हमने यहाँ से रिलीज़ किया तो ये दोबारा बी की पोजीशन की तरफ आई है, दोबारा ए की पोजीशन की तरफ आई, यानी कि बार बार ये अपनी ही जो ओ पोजीशन थी, मेन पोजीशन, उसको रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल में आता है बैक एंड फोर्थ एंड टू और फोर मोशन जो है वो मूव कर रही है। तो अब ज़रा इसको जो फर्स्ट टॉपिक हमारा, यानी कि मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, फर्स्ट एग्जांपल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम उसमें क्या है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की, वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। इफ़ द स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस्ड करते हैं और डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दी मैस, हम तो वो मैस भी क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इसको खींच के हम पीछे लेकर आते हैं, हम इसको स्ट्रेच कर दिए, यानी कि रबड़ बैंड को भी हम खींचते हैं ना तो वो लंबा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। इस तरह से हम जो है ना वो स्प्रिंग को भी जब हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, वो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और कुछ डिस्टेंस जो है वो मेन पोजीशन से वो ट्रैवल करेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगी, यानी कि वो इतनी कैपेसिटी रखता होगा कि वो मेन पोजीशन की तरफ आए। फिर जब ये रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से इनर्शिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ठहर नहीं पाएगी पोजीशन ओ पे, तो फिर वो बी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो बी पे भी हमारे पास ये रुकेगी नहीं यहाँ पे, जब यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया तो यहाँ से यहाँ तक इसने फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो जो एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी बॉडी इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, यहाँ पे रुकेगी नहीं बल्कि किधर जाएगी, ए की तरफ जाएगी और उसमें फोर्स डायरेक्शन जो होगी वो दोबारा अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी होगी आगे की तरफ भी उसी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो हमारे पास वो है अबाउट टू दी मेन पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो हुक्स ला एग्जर्ट करते हैं, हुक्स ला लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी हुक्स ला हम ये क्या कहते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट के है, ठीक है। जो फोर्स आपने लगाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। ये नेगेटिव जिसका जो साइन है वो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो फोर्स है वो नेगेटिव नहीं लग रही है, ठीक है। और के जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है। और ये क्या के की वैल्यू जो हमें क्या बताती है, के हमें बताता है कि जो आपके पास ये स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास ये हार्ड होगा स्प्रिंग, तो के की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, लार्ज होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है वो के ये जो आपके पास स्प्रिंग है वो सॉफ्ट स्प्रिंग आपने यूज़ किया, बिल्कुल हल्का फुल्का सा आपने स्प्रिंग जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो के की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, सॉरी, ठीक है।
तो इसी तरह से कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम के को साइड पे रखते हैं और इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स जो है वो लगाते हैं, यानी कि के को हम साइड पे रखते हैं और ये जाके इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता चुके हैं कि ये इसका वैल्यू है। फिर अगर हम सेकंड लॉ लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, वो आपने देखा है एफ इज इक्वल टू एम ए की तरह, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमने के भी फाइंड आउट कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, तो हमने के की वैल्यू लगाई और एफ़ की वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे लगा दी, एफ एम एम ए जी को डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है। जब आपने न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक आपने देखा था, आपने पढ़ा भी था कि मतलब जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी है। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो अब बॉडी के अंदर क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। तो अब हमने अब वो एक्सेलरेशन चेक करनी है कि वो एक्सेलरेशन उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टिव पोर्शन में क्या वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पे चेक करें कि हमने के की वैल्यू की जगह एफ की वैल्यू की जगह एम ए ओवर एक्स लगाया, हमने यहाँ पे ए फाइंड करना है। तो एक्स को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एम को डिवाइड कर दो इसके नीचे और माइनस एज इट इज़ दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये जो k बाई एम है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से क्या मुराद है, कि इससे मुराद ये है कि मैं मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन, कि जो मास हमने अटैच किया था स्प्रिंग के साथ उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट है जो हमने डिस्प्लेस किया बॉडी, ठीक है। तो अब ये सिंपल सी हमारे पास मोशन थी, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ करनी है कि अब जो नेगेटिव का साइन आया है हमने में ये इस इक्वेशन के साथ जो नेगेटिव का साइन आया है ये अब हमको क्या शो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो नेगेटिव साइन आया है मीन्स दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स थी वो अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट थी। वो मैंने आपको पहले कन्वे किया था कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस वजह से जो नेगेटिव का साइन यहाँ पे आया है। क्यों? बिकॉज स्प्रिंग इज़ ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स दी मेन पोजीशन, स्प्रिंग की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड सम टाइम कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, आर रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स दी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मेन पोजिशन, यानी कि पुशिंग पुलिंग टूवर्ड्स पुलिंग द ऑब्जेक्ट मूविंग परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, जो भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उसकी जो हमेशा मोशन होगी वो हमेशा किधर होगी, वो हमेशा टूवर्ड्स मेन पोजिशन ही होगी, ठीक है। तो जितनी भी आप आगे जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे वो इसी पर बेस करेंगे, ठीक है। अब हम ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ये जो हमने मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग पढ़ा है, अब हम इसकी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमने किया क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सारा इसमें आपको डिस्कस किया थॉरली, वैसे ही कि आपके पास मोशन ऑफ मास जो है वो अटैच टू स्प्रिंग है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो आपने यहाँ तक आपने बता दिया और आपने ये सारा जो है वो यहाँ तक लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। दूसरा इसमें ये होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स करती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये जो ब्लू बॉक्स है ये आपने करनी है डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके जो है वो आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या, ये जो हमने तीन डायग्राम्स पढ़ी हैं अब हम इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन में, कि इनिशियली द मास इज़ एट रेस्ट, इनिशियली हमने अगर यहाँ पे देखते हैं जो मास था वो रेस्ट पे था यानी कि पोजीशन ओ पे था, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मास इज़ ज़ीरो, और जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही थी वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अब हम सपोज करते हैं मास इज़ पुल थ्रू द डिस्टेंस एक्स, हमने उसको डिस्टेंस एक्स के साथ मूव किया यानी कि हम उसको ए की तरफ लेकर आए हैं, ठीक है, टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज्ड, और जब ए पे पहुँच जाएगा तो हम उसको यहाँ से छोड़ देंगे। द रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्टेड बाई द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल द टूवर्ड्स इट मेन पोजिशन, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स पैक कर रही थी वो हमेशा मेन पोजिशन की तरफ थी, कह रहा है कि जो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स पैक कर रही थी वो उसको पोजिशन ओ की तरफ लेकर आएगी, ठीक है। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव बैक टूवर्ड्स द मेन पोजिशन ओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन, जैसे जैसे ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ओ पे पहुंच के रिस्टोरिंग फोर्स फिर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से यानी कि बॉडी यहाँ पे इनर्शिया की वजह से मूव करती रहेगी, आगे की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड बिकम ज़ीरो एट ओ, हाउएवर द मास
gains speed and it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at O. Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O but continues this motion and reaches the extreme position B. एक्सट्रीम पोजीशन बी पे क्या कर जाएगी, पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब ये टर्म, ये हमने बता दिया कि अब ए लेकर आए हम उसको रिलीज़ कर, रिस्टोरिंग फोर्स की जीरो हो गई, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हुआ। फिर हमने क्या किया कि जो इस फोर्स की डायरेक्शन थी वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ थी, और मेन पोजीशन पर पहुँच के ये फोर्स जीरो हो गई, ये रिस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पर इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, यहाँ स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। तो अब वो पोजीशन किधर चलेगी, वो बी की तरफ चलेगी। अब यहाँ पे भी क्या फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ थी, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ, अब यहाँ पे हम पहुँच के हम इसको डिस्कस करेंगे। एज द मैस मूव फ्रॉम द मेन पोजीशन ओ द एक्सट्रीम पोजीशन बी, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड स्टेडली इंक्रीजिंग इज स्ट्रेंथ, हेंस द स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीजेज एज इट मूव्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। The mass finally comes briefly to rest to the extreme position B. फिर वो extreme position B पे rest पे आस्ते से वो उसकी जो decrease हो जाएगी motion. Ultimately the mass returns to its mean position due to the restoring force. तो फिर दोबारा से फिर क्या होगी, वो mean से extreme, extreme से mean पे पहुँच जाएगी, किस वजह से, restoring force की वजह से। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस हम जो है वो बार बार इस तरह से रिपीट करेंगे, एंड द मैस कंटिन्यूस टू ऑसिलेट बैक एंड फोर अबाउट द मेन पोजीशन, वो कंटिन्यूस इसी तरह से मूव करता रहेगा। सच मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल एज सरफेस इज नॉन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस तरह की जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब हम इसका अगर टाइम पीरियड निकालते हैं कि कितने टाइम में जो है वो वेव मूव करती है, वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यानी कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एम की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये मैस आपके पास क्या है, और के पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो आपके पास टाइम पीरियड है वो इन दो चीज़ों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। आज का हमारे पास मतलब यही टॉपिक है आपके पास, आपने इसमें से करना क्या है कि आपने डेफिनेशन करनी है ऑसिलेटरी और बैटरी मोशन की, उसके बाद आपने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सम एग्जांपल्स करनी है, सम एग्जांपल्स कौन सी हैं, 3 ही एग्जांपल्स हैं, देर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, बाल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम, ये 3 एग्जांपल आपने नाम लिखने हैं कि ये 3 एग्जांपल्स हैं। फिर मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग की अगर आपने बात करनी है, तो मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग में आपने जो ये सिंपल हार्मोनिक एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करना है, आपने इसकी डायग्राम करनी है। दूसरी ये कि आपने रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन करनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, और रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो और साथ में फिर इसने इसका आपने क्या करना है कि टाइम पीरियड करना है कि टाइम पीरियड इसका क्या है, और दूसरी अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है तो एक्सप्लेनेशन आपने इसी इसी की जो ना आपने डायग्राम बनाई है इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इनिशियली से लेके आपने रिस्टोरिंग फोर्स, और आपने करना है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड कॉन मैस अटैच्ड टू ऑसिलेट बैक एंड फोर अबाउट मेन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ तक ओ तक आपने क्या करना है, इस पर काम करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने लिखना लिखना भी है, उसको याद भी करना, ठीक है।